बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कई जगहों का निरीक्षण करते हुए नजर आए। पीएमसीएच में व्यवस्था का उन्होंने हाल जाना। वहीं अशोक राजपथ पर बनने वाले डबल डेकर ब्रिज के निर्माण का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं किस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है डबल डेकर ब्रिज का। अशोक राजपथ पर उसका भी निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री। लगातार उनकी कोशिश है कि बिहार में सड़कों का जाल बिछे, पुलों का जाल बिछे और उसी के तहत ये एक कड़ी है डबल डेकर ब्रिज। अशोक राजपथ में ये ब्रिज बन रही है जिसका मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है। मधेपुरा में परीक्षा बाधित करना छात्र नेताओं को महंगा पड़ गया। परीक्षा केंद्र से घसीटकर छात्र नेताओं को पुलिस थाने ले गई। इस दौरान प्रिंसिपल के साथ भी छात्र नेताओं ने धक्का मुक्की किया। बीएनएमयू के पीजी सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा केंद्र विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में बनाने की मांग को लेकर बीएनएमवी कॉलेज में शुक्रवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने जमकर बवाल काटा। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और हंगामा कर रहे करीब डेढ़ दर्जन छात्र नेताओं को हिरासत में लेकर थाने ले गई। सिंहेश्वर थाना से मिली जानकारी के मुताबिक 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र हैं अपना अधिकार और आम लोगों की बात रखने के लिए, और ये छात्र नेता सबके ऊपर जो कार्रवाई हो, हम मानते हैं इसको कि जिला प्रशासन, कॉलेज प्रशासन ये जबरन ये लोग को फंसा के जेल भेजने का काम कर रही है, और इसके खिलाफ, इस टाइप के कार्यक्रम के खिलाफ छात्रों में एकता बन रहा है और उग्र आंदोलन होगा जिला प्रशासन और क्या कहते हैं कॉलेज प्रशासन के खिलाफ। अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है सभी लोग अन्याय के खिलाफ, इसी लेके हमको लगता है कि इसकी उचित जाँच हो और ये छात्रों, तमाम 18 छात्रों को जितने पे एफआईआर हुआ है और जितना इसमें सभी निर्दोष हैं। लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र हैं अपना अधिकार और आम लोगों की बात रखने के लिए। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।